हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशा लता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को टर्मरिक लगा के दिखाएंगे। तो आप लोग टर्मरिक इस टाइम लगाइएगा तो बहुत अच्छा है। तो पहले से लगाना चाहिए था, मेरा थोड़ा लेट हो गया, तो फिर भी कोई बात नहीं, इस टाइम लगाने से भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरा यहीं पर बहुत ड्राई है ना, इसलिए हम पहले नहीं लगाया। अभी थोड़ा बारिश हुआ तो इस टाइम हम लगा रहे तो ये हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गार्डन का टर्मरिक है, हम ऐसे स्टोर करके रख दिया इस टाइम लगाने के लिए। तो देखिए, इसमें है स्प्राउट आ गया और ये हो जाएगा, गमला में हो जाएगा। आप लोग ऐसे गार्डन में भी लगा सकते हैं और गमला में भी, ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका लगाने का प्रोसेस, इसका मिट्टी कैसा होना चाहिए, इसका फर्टिलाइजर कैसा होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम टर्मरिक यहीं पर लगाएंगे और यहीं पर देखिए चावल का आटा, हम चावल का बैग लिया और आप लोग के पास गमला है, गमला में लगा सकते हैं। तो हम हर साल ऐसे जो चावल का बैग है इसमें लगाते हैं, तो ये मेरे पास अवेलेबल होता है इसलिए लगाते हैं। और ये ज़्यादा भारी नहीं होगा छत पर, तो इसलिए ये हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहीं पर थोड़ा हम जो लीफ है गार्डन का ये डाल देंगे, ये कंपोस्ट बन जाएगा। और अभी ये जो मिट्टी काउडंग कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिक्स करके हम रख दिए, तो इसमें हम ये लगाएंगे टर्मरिक। और इसमें ज़्यादा कुछ केयर नहीं लेना पड़ेगा, कुछ फंगीसाइड देना नहीं पड़ेगा। पानी जमेगा तो आप बीच बीच में फंगीसाइड दे सकते हैं, ऐसे भी नहीं लगता है। और ये चावल का बैग में लगाने से एकदम पानी नहीं जमता है। वैसे हो गया। अभी हम ये जो टर्मरिक है इसका जो ऊपर का पार्ट, यही पार्ट हम लगाएंगे, लगाने से बहुत अच्छा होता है। और ऐसे भी ये साइड का पार्ट लगाने से भी होगा, तो हम यही लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। और ये भी हम लगाएंगे, ये हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और एक पहले यही एक ठो और ये एक ठो एक ही साथ लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। और ये पूरा आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा। और फिर हम दो तीन महीना बाद इसमें थोड़ा काउडंग कंपोस्ट मिक्स करके डालेंगे। अभी थोड़ा मिट्टी कम करके हम ये लगा रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा करके टर्मरिक लगाइएगा और बीच बीच में इसमें पानी डालिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग भी ऐसा करके गार्डनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Happy gardening! Thank you.